हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त निगी किन्नौर वाला। तो आज की मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है जी। मैं आया हूं हमारे नाग जी के मंदिर में। तो देखिए जी, मेरे साथ सामने जो है नाग जी का मंदिर है, अभी यहां पे वर्क चला हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कारखाने में जो है ना कार्य हो रहा है। यहाँ पे मामा जी है, अभी कार्य कर रहे हैं, हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं। तो 2019 में इसको पटा गया था, उसके बावजूद ये जो देखिए अभी 2023 में ना ये लगभग तैयार है, अब पूरी तरह से तैयार है जी। तो चौथा वर्ष लगा है 2023। तो यहाँ देखिए मामा जी, ये हमारे सीनियर कारीगर लोग और कुछ हमारे साथी लोग जो है ना पार गए हुए जंगल में ये बना रहे हैं जी। देखना, इसको बोलते हैं जी डिजाइन, पनमा बोलते हैं, पनमा डिजाइन। और ये मामा जी देखिए एक्सपर्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट। तो खैर सारे हैं हम लोग, बट इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से काम करते रहते हैं। तो मेरे को तो लगभग 3-4 साल हो गए। तो यहाँ देखिए जी, एक लकड़ देवदार की लकड़ होती है जो है ना, उस पर ही कार्विंग करते हैं, बाकी लकड़ तो ऐसे ही है। खासकर तो ऐसे दरवाज़ों में लगता है कि मामा जी ये इसको हम दरवाजे में भी लगा सकते हैं। और ये जो है इसको हम अभी ये जो बना रहे हैं, हाँ जी, इसको हमने सीलिंग में डालना है। हाँ, अंदर में जी जहाँ पे बैठेंगे वहाँ लगाएंगे इसको। तो ये जो है इसको स्लेट का छत जो लगता है उसके नीचे भी डाला जाता है, इसे पनमा कहते हैं हमारी लोकल भाषा में। पर हिंदी में अब क्या कहते हैं, हम तो इसे हिंदी में तो छोटा एम भी कह सकते हैं, छोटा एम की तरह जो एम बनता है वो देखिए एम आकार का है। ये है जी, लकड़ में सिंपल ही होता है पर कार्विंग करके इस तरह का दिखता है जी। ये देखिए, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप किस तरह का लुक आ रहा है इसमें। और ये डबल साइड है जी, यहाँ देखिए ये डबल साइड में कार्विंग हो रही है हमको। देखिए इसको बनाने में हाथ से ही बना रहे, कोई ये मशीन यूज नहीं हो रहा है, हम इसे हाथ से बना रहे हैं। तो अब तक हमें इसको बनाने में सवेरे के 9 बजे से लेकर अब जाके ये तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक ही लकड़ है ये, सिर्फ 7 फुट का लकड़ है और पूरा दिन लगा जी इसको बनाने के लिए, हाथ से ही बना, कोई इसमें मशीन का काम नहीं हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये लास्ट है, देखिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं किस तरीके से चित्रकारी हो रहा है। मशीन तो हमारे पास हैवी मशीन है जी ये देखिए, बट छोटे मशीनें भी है, रूटर वगैरह, बट रूटर से हम जो है ना इस तरह की डिजाइनिंग करते हैं सिर्फ पट्टों में। ये देखिए यहाँ पे ये खाली इस तरह की डिजाइनिंग करने के काम आती है। और ये लकड़ जो है ना हमने लटकनियों के लिए निकाल के रखा है। इसके आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लटकनी वाली जो वीडियो होगी ना फुल डिटेल में दिखाऊंगा आपको किस तरह से लटकनी जो है ना ये खराद मशीन में तैयार करते हैं हम लोग बनाकर। और यहाँ पे देखिए ये तैयार जो लकड़ है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पे कलर मार्कर जो है ना सुखाया गया है अभी, और ये फाइनल लुक है जी इस लकड़ का। ये देखिए ये फाइनल लुक है और इस तरह का आ जाता है जी। ये देखिए ये पनमा बोलते हैं लकड़ में जो डिज़ाइन बनता है, और इस पे लाकदाना और पॉलिश करी गई है। ये है वो लटकनी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और इस लटकनी की पूरी डिटेल वीडियो दिखाऊंगा जी मैं आपको। ये हमने सीलिंग में डालना है उस वाले रूम पे। ये बार बार से जो है ना चारों तरफ पूरी तैयार है सीलिंग लगाकर। तो ये हमारा चौरिंग है नाग जी का और ये मंदिर है जी। तो आपको मैं अभी बताता हूँ, ये जो पनमा है ना ये यहाँ पे देखना आपने स्लेट के नीचे, छत के नीचे देखो, ये सिंगल पनमा है जी। ये देखिए ये झल्लर के ऊपर लग जाता है, ये देखिए आपको दिख ही रहा हो ना, यहाँ देखिए ये ऊपर में ये झालर है बीच में और नीचे लटकनी है, और तीसरा स्टेप ये पनमा है, और उसके बाद जाके ये स्लेट लगा हुआ है इस तरह से। ये इनमें भी काम आ जाता है। ये हमारे नाग जी का मेन गेट है, और इस तरह से जो ये पनमा को ना दरवाज़ों में भी लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे किस तरह की टचिंग फिनिशिंग दी हुई है, ये दादाजी वगैरह के टाइम में हुआ काम है, और किस तरह की फिनिशिंग और किस तरह का काम हुआ है ये देखिए आप। पूरी तरह से जो है ना एक अनोखा ही
लुक नज़र आता है जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है डिज़ाइनिंग करके, और काफ़ी सुंदर दिखता है। और ये देखिए हमारे मेन गेट का कुछ नज़ारा इस तरह का है, नाग जी के बड़ी काली नाग जी का मंदिर है जी ये, और दोनों तरफ गेट के ये इस तरह के छोटे छोटे जैसे मंदिर हैं, बट इसमें लोग ही रहते हैं, ये देवी देवताओं के लिए नहीं बनाया गया है, ये स्पेशली नाग जी के देवटू वगैरह है ना उनको रहने के लिए बनाया हुआ है। ये सब कुछ जो है ना लक्कड़ से बनाया गया है जी, शेर वगैरह, और यहाँ पे देखिए सांप है, और ये कुछ सिर वगैरह बनाया हुआ है, ये उल्टे का सिर है, ये कुछ हिरन के सिर है, ये शेर का सिर है, यहाँ पर भी शेर का सिर बनाया हुआ है। तो सब कुछ जो है ना ये लक्कड़ के बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये तो पहले की कारीगरी है जी, दादा के टाइम की, और उस टाइम ये भी थे, बट अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो उस मंदिर का कार्य कर रहे हैं, और ये चोरिंग में भी हमने किया हुआ है और आगे वाला भी सारा हम ही कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो थी जी ये पनमा वाली। तो ये अभी सीलिंग के लिए पनमा इतना बनकर तैयार है। तो फिलहाल वीडियो में शॉर्ट शॉर्ट रखता हूँ। तो आई होप कि आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होनी। मिलता हूँ जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।